स्वागत है मित्रों, UFO किचन में आपका। आज हम बनाने जा रहे हैं बीन्स का सैलड। तो बीन्स के सैलड के लिए मैंने क्या किया है कि यहाँ पे केन बीन्स आती हैं, केन के अंदर बंद रहती हैं वो। तो उसमें मैंने ये ब्लैक वाली जो राजमे टाइप की रहती है वो ले ली है, और एक लोबिया है वो ले लिया है मैंने। तो दोनों यहाँ पर चूँकि वो केन में और प्रिजर्वेटिव में भीगी हुई रहती है, तो इसलिए इसको पकाना नहीं पड़ता। बस निकाल के मैंने उसको धो लिया है, बहुत अच्छे से सफाई कर दी पानी से, ताकि वो जो प्रिजर्वेटिव्स हैं वो धुल जाएँ उसके ऊपर से। और उसके बाद इन दोनों बीन्स को मैंने मिला लिया है। तो आप अगर आपके ढंग से बीन्स ना हो, तो आप राजमा रात भर भिगो के रखें और लोबिया को रात भर भिगो के रखें, और दूसरे दिन उसको एक सीटी देकर और उससे भी बना सकते हैं आप, तो वो एकदम वही चीज़ बनेगी। तो ये जो हम सैलड बनाए जा रहे हैं बीन्स का, वो उसका थीम है बरीटो स्टाइल बना रहे हैं, मैक्सिकन जैसे लोग बनाते हैं। लेकिन उसमें थोड़ा सा अब देखिए कि ये एग्जैक्टली बरीटो नहीं है, इसलिए मैं इसको बीन सलाद बोल रहा हूँ। और बहुत हेल्दी चॉइस होती है ये, अपने आप में पूरा खाना होता है। तो ये देखिए मैंने ले लिया, इसको हम इसमें डाल लेते हैं। तो ये बीन्स हमने दोनों मिला के डाल लिए इसमें। अब इसके अंदर हम ये टमाटर डालेंगे, एक टमाटर मैंने छोटा सा ले लिया छोटे छोटे टुकड़े करके। ये प्याज ले लिया मैंने आधी, उसके भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। ये धनिया ले लिया, और ये शिमला मिर्च ले लिया, उसको भी छोटे छोटे टुकड़े कर लिए। इसको हम इसमें मिलाते हैं। तो देखिए इसको हमने ये सारी चीज़ डाल ली, इसको भी इसको मिला लेते हैं, इसके अंदर मिक्स कर लेते हैं। और जब ये मिक्स हो जाए तो इसके ऊपर हम ये नमक और काली मिर्च है मेरे पास, तो पहले थोड़ा सा नमक डाल देते हैं इसके अंदर। ये नमक डाल दिया हमने, ये स्वाद के अनुसार आप ले लीजिएगा। काली मिर्च भी थोड़ी सी डाल देते हैं, काली मिर्च डाल ली हमने। अब थोड़ा सा इसके अंदर हम ये नींबू डाल देंगे, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा नींबू। ये नींबू डाल दिया हमने थोड़ा सा। और ये मेरे पास ये चिपोतले का बारबेक्यू सॉस है। तो ये बारबेक्यू सॉस आप देखिएगा बाज़ार में मिल जाएगा, चिपोतले बारबेक्यू सॉस। तो उसको इसमें हम मिक्स कर लेते हैं, तब ये एकदम से मैक्सिकन टेस्ट देने लगेगा आपको। तो इसको हम इसके अंदर करीब 2 चम्मच मिक्स करते हैं इसे। देखिए बड़े चम्मच भर के 2 आप इसके अंदर डाल दीजिएगा, और फिर इसको मिक्स कर लिए। फिर अगर आप टेस्ट करके देख लीजिएगा, थोड़ा कम ज़्यादा करना है तो कर सकते हैं आप इसको। तो देखिए हमने इसको बढ़िया मिक्स कर लिया, और ये हमारा सलाद बनके तैयार हो गया है। और ये बहुत ही बढ़िया हेल्दी सैलड है, और इसमें ना कोई तेल का इस्तेमाल हुआ है ना ऑयल का, और एकदम फटाफट बनके तैयार हो जाता है। तो फिर देर किस बात की, आप भी बनाएं बरीटो स्टाइल बीन्स। स्वाद में है भरपूर और हेल्दी लाइफ का है ये बीन्स। तो फिर मिलते हैं एक नई डिश के साथ में बहुत जल्दी। और हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको लगातार हमारे अपडेट्स मिलते रहें।